If I didn't use the washroom there, I would not have been in this film. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसी बॉलीवुड और साउथ इंडिया की सेंसेशन के बारे में जो अपने टैलेंट और ग्रेस के साथ इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं कृति शेट्टी की। आसी, रेपट नीचे मूड रोज़ल लेने न कलवनो। राखो नेने में पोली। आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी कृति सेट्टी की कुछ अनसुनी कहानियाँ जो शायद ही आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कृति ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही एक्टिंग और मॉडलिंग शुरू कर दी थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने अपना पहला टीवी एड के लिए ऑडिशन सिर्फ मजाक में दिया था और वही ऑडिशन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। साउथ इंडस्ट्री में एंटर करना आसान नहीं होता, लेकिन कृति सेट्टी ने पहली बार तेलुगु फिल्म उपेना के साथ धमाका कर दिया। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना डायलॉग तेलुगु में ही डिलीवर किए, जबकि उन्हें तेलुगु बोलनी नहीं आती थी। उन्होंने सिर्फ 2 महीने में लैंग्वेज सीख ली और अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। आपने कृति शेट्टी को एक्टिंग करते तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक ट्रेड भरतनाट्यम डांसर भी हैं? जी हाँ, उन्होंने 7 साल की उम्र में ही क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया था। उनकी एक चाइल्डहुड टीचर के मुताबिक कृति की परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग स्पेशली फंक्शन अटेंड करते थे। डांस ने उनका कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशंस को और भी एनहांस किया, जो उनकी एक्टिंग में क्लियरली दिखाई देता है। आई थिंक नो डायरेक्टर का बागा सक्सेसफुल అయిన రోజు నేను ఇచ్చిన షర్ట్ వేసుకొ అప్పుడు నమ్ముతాను నిన్ను గుర్తున్నానని। कृति सेट्टी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के बाद बॉलीवुड के लिए भी सपना देखती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें कभी बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका मिला तो वो रणबीर कपूर के साथ काम करना चाहेंगी, लेकिन फिलहाल उनका फोकस है साउथ की ऑडियंस को इम्प्रेस करने का, जो उनकी सिंसेरिटी को दिखाता है। कृति शेट्टी ने अपनी जर्नी में काफी स्ट्रगल्स देखी हैं। जब वो मुंबई में ऑडिशन देती थी तो उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया, सिर्फ इस वजह से कि उनका फेस ज्यादा इनोसेंट था, लेकिन उन्होंने हर रिजेक्शन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाया और अपनी एक्टिंग स्किल्स को और भी पॉलिश किया। आज वही इनोसेंस उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक्टिंग और डांसिंग के अलावा कृति को रीडिंग और पेंटिंग काफी पसंद है। उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर अपनी एक सीक्रेट हॉबी रिवील की थी, जो की थी पेंटिंग। कृति को पेंटिंग उन्हें रिलैक्स करने का और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का एक परफेक्ट तरीका लगता है। ये हॉबी उनकी क्रिएटिव साइड को और भी एक्सप्लोर करती है। कृति के इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने पोस्ट के जरिए हमेशा अपनी रियल पर्सनैलिटी को दिखाती हैं। वो फेक ग्लैमर में बिलीव नहीं करती और अपनी नेचुरल फोटोज और कैप्शंस के साथ फैंस का दिल जीत लेती हैं। एक बार उन्होंने अपनी नो मेकअप सेल्फी शेयर की थी जो वायरल हो गई थी। कृति एक पैशनेट एनिमल लवर है। वो हमेशा स्ट्रे डॉग्स की मदद करती हैं और अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इंस्पायर करती है कि वो भी एनिमल्स के लिए कुछ करें। उन्होंने अपनी पहली सैलरी का एक हिस्सा एनिमल शेल्टर्स को डोनेट किया था। ये गेस्चर उनकी काइंड हार्टेड पर्सनैलिटी को दिखाता है। कृति अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा लौकी रखती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि उनका फेवरेट पास्ट टाइम है अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना और घर का बना खाना खाना। वो हमेशा अपनी माँ से एडवाइस लेती हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ से। कृति के क्लोज फ्रेंड्स ने एक बार उनकी एक क्यूट हैबिट के बारे में बताया था। वो अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स के पहले डायरी लिखना पसंद करती हैं, चाहे वो एक मूवी शूट हो या एक अवार्ड फंक्शन। कृति अपने थॉट्स को लिखकर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हैं। उन्होंने कहा है कि ये हैबिट उन्हें फोकस्ड और काम रखती है। अक्सर एक्ट्रेसेस अपने डाइट प्लान्स और फिटनेस रिजीम्स के लिए फेमस होती हैं, लेकिन कृति अपनी फिटनेस को एक यूनिक तरीके से हैंडल करती हैं। वो रेगुलर जिम जाने के बजाय योगा और मेडिटेशन प्रेफर करती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती। उनका मानना है कि बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जरूरी है। कृति अपने फैंस के साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करती हैं। उन्होंने एक बार एक फैन के लिए सरप्राइज बर्थडे वीडियो मैसेज बनाया था जो वायरल हो गया था। ये उनकी ह्यूमिलिटी को दिखाता है। फैंस के लिए उनका प्यार ही उन्हें स्पेशल बनाता है। तो दोस्तों, ये थी कृति शेट्टी की कुछ अनसुनी कहानियां, एक यंग एक्ट्रेस जो अपनी सिंपलिसिटी और टैलेंट के साथ इंडस्ट्री में छाई हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कृति शेट्टी के फैंस के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिल्मी अटैक।